राज्य में दुमका व बेरमो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को जीत हासिल होगी, इस बात का दावा आज धनबाद में दुमका दौरे से लौट रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडिया के समक्ष किया। धनबाद परिसदन में मीडिया से बात करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि जनता में सरकार के प्रति निराशा है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, जिसके कारण दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य की 3 मेडिकल कॉलेज को बंद कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। मंत्री ने कहा कि सब कुछ केंद्र के भरोसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि राज्य को अपना भी काम करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिले पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो आज तक राज्य सरकार नहीं दे पाई, तो आरोप फिर किस तरह लाएगी। मंत्री के कोयलांचल के एक उद्यमी को रंगदारी के लिए मिली धमकी और पैसे का भुगतान नहीं करने पर जान मारने की धमकी की निंदा की और कहा राज्य में विधि व्यवस्था में काफी गिरावट आई है तो चिंता की बात है। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार की अविलंब कार्रवाई करने की मांग की। दुमका दौरा बहुत अच्छी रहे और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता में सरकार के प्रति निराशा है और सरकार के काम काज से लोग असंतुष्ट हैं। कल मुख्यमंत्री ने ये एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में केंद्र जो है राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, मेडिकल कॉलेज यहाँ जो है उसके अस्तित्व को खत्म करने की साजिश हो रही है। मैंने क्या कर रही है, उसे फंड नहीं दे रही है, सुविधा नहीं दे रही है, केंद्र को देना है वो नहीं दे रही है, सीधे मुख्यमंत्री का आरोप है केंद्र पर। सब फंड यदि भारत सरकार ही देगी तो राज्य सरकार क्या करेगी, और जो फंड दिया गया उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजा है। विधि व्यवस्था की सर हालत खराब है, कल भी एक यहाँ पे कोयला उद्यमी को थ्रेटनिंग मिली है रंगदारी के लिए, अगर रंगदारी आप नहीं दे रहे हैं तो आपकी जान जाएगी। अब उस पर ध्यान देना चाहिए राज्य सरकार को, बजाय इसके कि वो टाइम लॉस करे और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। स्थिति राज्य की क्या मानेंगे आप विधि व्यवस्था के मामले में? विधि व्यवस्था की हालत जो बिगड़ रही है चिंता का विषय है।